की स्थिति के बारे में आप देख रहे हैं जैसी स्थिति हो गई है। आप देख रहे हैं कोई कह रहा है कि मैंने तो टिकट मांगे नहीं, मेरे को जबरदस्ती दे दिया, वो वापस कर रहा है दूसरे को दे दिया, वो कह रहा है हारने के लिए मेरे को क्यों दे रहे। दूसरा कह रहा है कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो बाहर था, मेरे को टिकट दे दिया। अरे भाई आपका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, क्या स्थिति हो रही है? अभी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी वाले पेपर लीक में ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे भाई हमने तो पहले ही कहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, ये एसओजी पहले भी थी, ये एसओजी पहले थी, पेपर लीक वाले किसी भी उसको जो नकल माफिया थे किसी को पकड़ने का काम नहीं किया, और हमने ऐसा ही गठित की तो 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। मैं आपको ध्यान दिला रहा, नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की कल्पना थी तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगर किसानों के हित में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, या फिर किया चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हमेशा हित की बात कही और उन्होंने हमेशा किसानों के हित में काम करने की बात कही। हम जो कहते हैं उसकी कहते हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों के हित की बात रखी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर किसानों के बारे में सोचा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। अगर किसानों का फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना, अगर उनकी एक योजनाएं आप देखेंगे, महिलाओं की योजनाएं देखेंगे, युवाओं की योजनाएं देखेंगे, तो आप कहेंगे कि देश में 2014 के बाद परिवर्तन की स्थिति हुई। आज देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान, सेना, सीमाओं की सुरक्षा और किसान का उत्थान अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार को आज 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, हमें 90 दिन काम करने का मौका मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बीच में जो हमने वायदे किए थे उन वायदों को हमने 40 से 45% पूरा करने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था कि किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हाँ, उसे किसान सम्मान निधि हमारी राजस्थान सरकार ने बढ़ाएगी। हमने पहली किस्त में 2,000 रुपए बढ़ा करके किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा कि उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हम 450 रुपए में देंगे। हमने 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये हमने कहा कि हम पर एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने 125 रुपए एमएसपी गेहूं पर बढ़ा करके 2,275 से 2,400 रुपए करने का काम हमने किया। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन जो 1,000 रुपए मिलती थी, हमने कहा उस पेंशन को हम 1,500 रुपए करेंगे और हमने पहले चरण में 150 रुपए बढ़ा करके 1,150 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने। हम एक एक करके वादा आपका पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने केंद्रीय मंत्री, जनशक्ति मंत्री माने गजेंद्र सिंह जी से कहा था, तब हमने देखा कि हमारी ईआरसीपी की
यमुना जल समझौता, यही नहीं तो नर्मदा का पानी भी आना है, माही का पानी भी सातों और डालों तक जाना है। यही नहीं, हमारा पाँव से जो पानी आता है, जो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से आता है, उसका भी हमने जो 10 फुट पानी, क्योंकि एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, पंजाब में तबाही मच गई थी उस बाढ़ से, उन्होंने वहां उस पर ऑब्जेक्शन डाल दिया और वो 10 फुट कम भरने का जो फॉर्म दे रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि 10 फुट कम भरा जाए तो 10 फुट कम भरता है। हमने हमारे बिजली ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी से कहा, क्योंकि वो उनके अंडर में वो बात आता है, हमने कहा इसकी ऊंचाई बढ़ाई, ऊंचाई करके और उसमें पानी बढ़ाया जाए, 5 फुट 7 फुट पानी हमारा पूरा पानी दिया जाए, क्योंकि वो राजस्थान के हिस्से का पानी है, हम उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचने का काम हमारा करेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं यह वर्ष हमारा बिजली और पानी के लिए है, हमारे किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी। हमने जो समझौता 2.25 करोड़ का जो हमने समझौता किया है, मैं आपसे कहें 1,65,00,000 का एक समझौता किया है, 65 करोड़ का एक समझौता किया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आने वाले 3-3.5 साल बाद राजस्थान बिजली के अंदर आत्मनिर्भर होगा, हम बिजली बेचने वाले होंगे और हमारा किसान जिस तरह से कर्मचारी हमारा ड्यूटी पर जाता है इस तरह से बटन दबाएगा 9:00 बजे और शाम को बटन बंद करके आएगा, बच्चों के साथ टीवी देखेगा, बच्चों के साथ खाना खाएगा, नाटक देखेगा और किसान उस स्थिति में काम करेगा, ये हम आपसे कह रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस की स्थिति के बारे में आप देख रहे हैं जैसी स्थिति हो गई है, आप देख रहे हैं कोई कह रहा है कि मैंने तो टिकट मांगे नहीं, मेरे को जबरदस्ती दे दिया, वो वापस कर रहा है दूसरे को दे दिया, वो कह रहा है हारने के लिए मेरे को क्यों दे रहे, दूसरा कह रहा है कि मैंने तो गाय नहीं, मैं तो बाहर था, मेरे को टिकट दे दिया। अरे भाई, आपका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, क्या स्थिति हो रही है? अभी कह रहे हैं कि सब बीजेपी वाले पेपर लीक में ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हमने तो पहले ही कहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, ये एसओजी पहले भी थी, ये एसओजी पहले थी, पेपर लीक वाले किसी भी उसको जो नकल माफिया थे किसी को पकड़ने का काम नहीं किया और हमने एसआईटी गठित की तो 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम उस एसआईटी ने किया। हमने कहा है कि हम युवाओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उस युवा की तड़प हम नहीं देख सकते कि युवा 24 घंटे मेहनत करता है, युवा अपने पिताजी से कहता है कि उसका गरीबी का सहारा बनेगा, वो युवा अपने पिताजी को भरोसा दिलाता है कि मेरे को पढ़ाई है, मैं पढ़ करके पास परीक्षा में पास होकर के मैं आपका सहारा बनना चाहता हूं, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार उस युवाओं को सपने को चकना चूर कर देती है और किसान के सपने को भी चकना चूर कर देती है। हमने कहा हम उनको छोड़ने वाले नहीं है और हम आज भी आपको कह रहे हैं कि अभी तो राय लंबी है, धीरे धीरे जा रही है और आपको कहना चाहते हैं कितना भी बड़ा व्यक्ति हो ये हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि युवाओं को जितने आंसू दिए हैं वो आंसू की सजा उसको मिलकर के रहेगी, हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आए दिन कह रहे ये ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, अरे भाई ये सब क्यों कर रहे हैं? मोदी जी ने तो 2014 में ही कहा था, 2014 में ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खा लिया तो बाहर उल्टी निकालूंगा, तो अब कहां दिक्कत आ रही है? उन्होंने तो पहले ही कहा था, आप क्यों दिक्कत कर रहे हैं? अगर उनको आ रहा है कि पैसा कहां से मिल रहा है, जिस पर हाथ डालो मशीन गिरने वाली कम पड़ जाती, फिर कहते हैं सब ईडी क्यों पीछा कर रही है? अरे आपको मशीन कम पड़ रही है तो क्यों ईडी कहां जाएगी?
वो किसान के पास जाएगी, या तुमने उसको लूटने का काम किया है तो गरीब के पास जाएगी। ईडी तो उन्हीं के पास जाएगी जिन्होंने गलत काम करके भ्रष्टाचार से उस धन को अर्जित किया है और गरीब को हाथ धोने का कोई भूल नहीं किया है, कोई काम नहीं। मैं आपसे मित्रों में निवेदन करना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने जो आपसे एक एक वायदा किया, संकल्प पत्र में जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं हमारी सरकार के संकल्प को पूरा करेगी। हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको बख्शने वाले भी नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस प्रदेश को मजबूत बनाना है, राजस्थान को विकसित बनाना है, इस देश को विकसित बनाना है, दुनिया में इस भारत को दुनिया का सिर मुकुट बनाना है। तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमेशा 25 की 25 सीट राजस्थान से 2014 में और 2019 में दी, लगातार आपने जीत दी है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि राजस्थान की 25 की 25 सीट जीतेंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिलेगा। 25 की 25 सीट 5 लाख से अधिक वोटों से जीतनी चाहिए, 5 लाख वोटों से भी। और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है जो अंबरवेल का काम करते हैं, वो पर्ची भी है, पर्ची भी है जो कांग्रेस हार लेती है, हार लेती है, सीकर में नहीं मिला तो उधर सरकार दिया। अरे भाई, सीकर के तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके सीकर में ही उनको आप व्यक्ति पैदा नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने अलग से सरकार दिया जिसको ले आए। अब देख लिया, ऐसे भी पर्ची भी है, अपनी बार यहां अपनी बार वहां, वो भी आपको देखना है। और आपने देखा होगा अभी जयपुर शहर के अंदर मुझे भी लड़ना, जिसको लड़ा रहे वो कह रहे हार के लिए मुझे लड़ा रहे। अभी आपने राजसमंद में देखा, वो भी वापिस करने वाले उन्होंने कर दिया, अब दूसरे वाले वो कह रहे कि वहां नहीं मिल जाओ। यह स्थिति कांग्रेस की हो रही है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि 25 की 25 सीट 5 लाख वोटों से ऊपर से जीते और हम एक ऐसे कमल के फूल, खिलते हुए कमल के 25 फूल मोदी जी को जाकर कहते हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप अगर इस बात के लिए तैयार हैं।